तो भाई अगर आप में से कोई YouTube पर काम करते हो, YouTube चैनल है, YouTube में वीडियो अपलोड करते हो, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं YouTube का एकदम खतरनाक अपडेट जो आने वाला है एक, और जो तीनों के बारे में बताऊँगा वो आ गया, मतलब कि टोटल चार में आप लोग अपडेट आने वाला बताऊँगा, उससे आप लोगों के चैनल में बहुत फ़ायदा होगा अगर आप ये अपडेट को समझ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, एकदम चला जाता हूँ वीडियो के अंदर। पर उससे पहले अगर कोई इस चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छे लग जाए, अच्छा लग जाए क्या, अच्छा लगेगा तो जल्दी से कर दो एक लाइक। तो पर पहला जो अपडेट आया है उससे आप लोगों का, मैं जो बोलने वाला हूँ उससे आप लोगों का व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। हालांकि मैं बता देता हूँ कि मैं इस टाइप का कुछ भी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, यूट्यूब का टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, पर मेरा जो चैनल है टेक रिलेटेड है। इस तो यहाँ पर पहला जो अपडेट है, यहाँ पर क्या होता है कि मैं आप लोगों को यूट्यूब में एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना चैनल में, मैं अपना ही चैनल खोल लेता हूँ, मैं अपना चैनल में क्या होता है कि मैंने जैसे क्रिएट करके रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ जो वीडियोस यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है जो पहली बार, सॉरी पहली बार नहीं, दूसरी बार चैनल में आएगा, तो यहाँ पर ये जो पोको M6 प्रो 5G का रिव्यू है वो आएगा पहले, मतलब जो दूसरी बार मेरे चैनल में आएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल में आएगा उसको क्या दिखेगा, यहाँ पर टॉप में जो कि एकदम जो पॉपुलर वीडियो होगा ये सारा। यहाँ पर मैं आप लोगों को शायद से इंडिकेट करके भी दिखा रहा हूँ, और ये एक नया फीचर्स है जो कि फॉर यू करके, यहाँ पर जिस टाइप का मैं वीडियोस देखता हूँ उस टाइप का यहाँ पर वीडियो शो करके। फिर इसके बाद क्या आता था, पॉपुलर वीडियो के बाद शॉर्ट्स जो मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है, और इसके बाद आएगा जो कि वीडियोज़ मैं जैसे अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक कर दिया, यहाँ पर वीडियोज़ ही वीडियोज़ आएगा। तो इस तरह करके पहले जो कि सेटिंग करके रखा हुआ है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है कि यहाँ पर आप लोग ऐड कर पाओगे टॉप क्लिप, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मैं आप लोगों को एक बार करके भी दिखा रहा हूँ। चले जाते हैं एकदम YT स्टूडियो में, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो इसको आप लोगों को YT स्टूडियो में एकदम डेस्कटॉप मोड में खोल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जूम भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप लोगों को इस वाला ऑप्शन में रहना है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को यहाँ पर ऊपर जो लेआउट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को जैसे दिखाया कि जो एकदम मेरा पहले आएगा, एकदम पहली बार मेरे चैनल के अंदर आएगा उसको ये वाला वीडियो देखेगा, ये वाला, ठीक है ना। और जो दूसरी बार आएगा उसको ये वाला वीडियो दिखेगा ऊपर का, जो मैंने बताया मैं उस चैनल में जो जीमेल से घुसा था, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो जीमेल से घुसा था उस जीमेल के मैंने 2-3 बार उस चैनल को घुसा हूँ, इसीलिए ये वीडियो शो कर रहा था ये वीडियो, ठीक है ना। अगर मैं पहली बार घुसता हूँ तो ये वाला वीडियो शो करेगा। मैंने कुछ इस टाइप का सेटिंग करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिखाया था पॉपुलर वीडियो, शॉर्ट्स, वीडियोस, ठीक है ना। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर जो साइड के, यहाँ पर जो ऐड सेक्शन वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐड सेक्शन वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे एकदम नीचे में देखोगे एक अपडेट आया है टॉप कम्युनिटी क्लिप्स, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक जो कि ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर जो भी टॉप कम्युनिटी क्लिप्स होगा वो व्यूअर्स को शो करेगा एकदम एंड में, ठीक है ना। तो मैंने मेरा चैनल जो कि इस टाइप का कर दिया। फिर यहाँ से आप लोगों ऊपर जो पब्लिश का बटन दिख रखा है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, वरना ये जो सेटिंग्स मैंने बताया ये काम नहीं करेगा। तो इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पब्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एक रिफ्रेश हो रहा है, तो ये हो गया, मैं जैसे ही चेंज किया। तो ये था हमारा जो कि एकदम पहला अपडेट। इससे आप लोगों का जो भी टॉप कम्युनिटी क्लिप्स होगा वो आपके चैनल में शो करेगा, तो जो भी व्यूअर्स आएगा उसका फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। तो यह था हमारा एकदम पहला जो कि अपडेट। ये बहुत ही फ़ायदा है, इससे आप लोगों का चैनल एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा, भागना तो छोड़ो। इसके बाद चले जाते हैं जो कि दूसरा अपडेट। दूसरा अपडेट क्या है, प्लेलिस्ट एनालिटिक्स। यहाँ पर जो स्टूडियो है YT स्टूडियो, ये ऐप्स अगर आप लोगों एनालिटिक्स करना नहीं आता है तो क्या ही बोलूँ। यहाँ पर जैसे आप लोग घुस जाओगे, पहले आप लोगों का इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, वो मेरा मिनिमाइज था तो वो दिख रहा था, पहले आप लोगों को इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नीचे में एनालिटिक्स करके, यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर ओवरव्यू कॉन्टेंट और ऑडियंस इस टाइप का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप लोगों को कॉन्टेंट वाला चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप लोग जैसे कॉन्टेंट पर क्लिक कर दोगे, फिर आप लोगों थोड़ी देर यहाँ पर इस टाइप का आ जाना है। तो यहाँ पर जो
एकदम लास्ट में एक ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि प्लेलिस्ट करके, ये एकदम नया अपडेट आया है। प्लेलिस्ट आप लोग एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सारा आप लोगों का जो भी प्लेलिस्ट होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो इसके बाद आप लोगों को इस जगह पर क्लिक कर देना है, फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में कितना कितना व्यू आया है 28 दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैं टोटल व्यू करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 28 दिन में ये इतना इतना व्यू आया है। और इसका मैं डेट चेंज भी कर सकता हूँ, लास्ट 7 डेज में ये जो प्लेलिस्ट दिख रहा है आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप का आप जो भी अपना प्लेलिस्ट एनालिटिक्स कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझना होगा। तो ये था हमारा दूसरा जो कि एकदम धमाकेदार अपडेट। इसके बाद चला जाता है जो कि तीसरा अपडेट क्या है, यहाँ पर स्टूडियो में ही जो यहाँ पर फ़ोन से यूट्यूब चलाते थे उन लोगों को तो ये मिल गया था एकदम पहले, पर जो पीसी में कर रहा था वो जो ये रिसर्च वाला टैब है ये उनको नहीं मिला था। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो भी चैनल है उसे एक आइडिया मिल जाता था यहाँ से मैं किस टाइप का वीडियोस बनाऊं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एकदम टॉप जो सर्चेबल टॉपिक है वो यहाँ पर शो करता है, तो इससे मेरा फ़ायदा ही है। तो यह क्या होता था, पहले सिर्फ फ़ोन यूज़र को था, पर जो पीसी वगैरह में अपना यूट्यूब चैनल चलाता है तो उनको नहीं मिलता था ये रिसर्च वाला टैब। तो अभी के टाइम में जो अपडेट है इससे आप लोग जो भी पीसी में वगैरह वगैरह चीज़ों में जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उनको ये रिसर्च वाला टैब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा तीसरा अपडेट। और चौथा वाला अपडेट क्या है, वो है मेंबरशिप। जैसे कि आप तो मेरा चैनल में नहीं देख सकते हो वो कि मोनेटाइज नहीं है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मेंबरशिप, आप किसी के चैनल में घुसते हो तो किसी के होता क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद एक ज्वाइन वाला ऑप्शन आता है, वो जो भी ज्वाइन करके तो उसको एक पर मंथ एकदम मंथली एक अमाउंट देना होता है उससे मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। तो जो मेंबरशिप ज्वाइन करेगा तो उसको क्या होता था, वो क्रिएटर जिसका भी आप लोग मेंबर वहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आप उनका जो मेंबरशिप है वो आप ले लोते हो। तो वो जो क्या करता है, मेंबरशिप के पास जो भी वीडियो अपलोड करेगा वो सिर्फ मेंबर को दिखेगा और कोई लोगों को नहीं दिखेगा, मतलब कि जो एक मंथली पेमेंट करता है उनको दिखेगा, हर लोगों को नहीं। तो वहाँ पर क्या होता था कि क्रिएटर का ही लॉस हो जाता था। तो अभी के टाइम में यूट्यूब पर एक अपडेट कर दिया है कि मेंबरशिप ओनली जो भी ऑप्शन था वो आप लोग शेड्यूल कर सकते हो, मतलब आप पहले मेंबर को दिखा दो फिर आप चाहते हो कि अगर ये इतने दिनों के बाद एकदम पब्लिक हो जाए तो ये इसके बाद आप ये कर सकते हो, ये वाला अपडेट आ गया है, ठीक है ना। तो गाइस ये अपडेट से आप लोगों का क्या क्या फ़ायदा होगा मुझे तो नहीं पता, वीडियो सोचा कि बना दूँ तो बना दिया, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं और इन धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना अपना घर का हाल लोगों का।